नगर निकाय चुनाव में जनता ने नगर में साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण, कूड़े का समय से उठान, जल निकासी सहित तमाम मुद्दे उठाए थे। इसके लिए जनता ने अपने वोट की चोट से नगर की सरकार भी बदल दी, लेकिन जनता की समस्याएं पहले की तरह जस की तस बनी हुई है। यहाँ नगर पालिका परिषद सीतापुर के मोहल्ला खूबपुर का विशेष तौर से है। मोहल्ले के प्रमुख मार्ग पर मौजूद समय में जल भराव की समस्या बनी हुई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरसात के दिनों में इस मोहल्ले के क्या हालात बन जाते होंगे। खूबपुर मोहल्ले में करीब 3 दशक से जल भराव सहित कई समस्याएं बनी हुई है। गलियों की हालत ठीक नहीं है, जल निकासी के लिए नालियां भी नहीं बनवाई गई है। जगह जगह जल भराव की समस्या है। लगातार गंदा पानी भरा रहने से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका से मोहल्लेवासी डरे और सहमे रहते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए एक बार फिर मोहल्ला खूबपुर के बासिंदों ने विजय लक्ष्मी नगर स्थित चेयरमैन नयावस्ती के आवास पर पहुंचकर गुहार लगाई। मोहल्लेवासी इससे पहले भी चेयरमैन से मिलकर अपनी समस्याओं को बता चुके हैं, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। शनिवार को मोहल्ले के अमरीश दीक्षित, चंद्रशेखर द्विवेदी, रामजी शुक्ला, आलोक सिंह, सिद्धांत, पीयूष, आकाश, शोभित, राधेश्याम, सानू, अमरीश, यदुवेंद्र, मोहित, सुधीर, आशीष, दीपक, शिवम, शैलेंद्र आदि ने पहुंचकर जलभराव की समस्या से निजात की मांग की। हालांकि इस दौरान चेयरमैन नेहा अवस्थी से उनकी भेंट नहीं हो सकी। आवास पर मौजूद यतीन्द्र अवस्थी बबलू ने समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। समस्या सुनाने आए अमरीश दीक्षित, चंद्रशेखर द्विवेदी, रामजी शुक्ला और आलोक सिंह आई इंडिया से क्या बोले, आइए उसे भी सुन लेते हैं। मैं अमरीश कुमार दीक्षित, निवासी खूबपुर मोहल्ला। लगभग 25 से 30 वर्षों से अधिक यह मोहल्ला बसा हुआ है। यहाँ के निवासी विकास की राह देख रहे हैं। ये गली एसके फ्लोर मिल की खूबपुर की मुख्य मार्ग गली कही जाती है। यहाँ से ये मार्ग एलपीएस सिंघानिया और आरपी स्कूल को जोड़ने वाली गली है। इससे एलपीएस जैसे स्कूल और आरपी और सिंघानिया जैसे स्कूल के बच्चे निकलते हैं बरसात के समय में। ये मार्ग बहुत ही विकट स्थिति में हो जाता है, जिससे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े और वृद्ध माताएं इससे गिरकर चोटिल भी हो जाती हैं और उनकी यूनिफॉर्म, बच्चों की यूनिफॉर्म भी गंदी होती है। तो आप देख सकते हैं कितना जल भराव है, जो आजकल बरसात नहीं है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर नेता आए नहीं, नेता आए हैं। जब वोट मांगने का समय होता है तो सभी नेता आते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम आपको, आपका ये कार्य जरूर कराएंगे, लेकिन वोट मांगने के बाद जब समय चला जाता है तो उसके बाद कोई भी कार्य नहीं होता है। हम इससे पहले भी राधेश्याम जायसवाल आदि जो जो भी रहे उनके पास जाते रहे, लेकिन इस बार पिछले 2-3 महीने पहले लगभग नेहा अवस्थी जी के पास गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि ये सड़क जरूर बनेगी। इसके तहत उन्होंने इस गली का लगभग इस्टीमेट और ये सब कार्य करा दिया है, लेकिन अभी तक ये गली अभी विकास की राह देख रही है। आज भी हम गए थे और इसके तहत उनसे आश्वासन मिला है कि ये जल्द से जल्द इसका गली का निर्माण कार्य कराया जाएगा। और इसी आश में मैं अपनी पूर्व चेयरमैन नेहा अवस्थी से आस लगाए, हमारे सभी मोहल्लावासी आस लगाए हैं कि क्योंकि वो पूरे सीतापुर का विकास कर रही हैं तो इस मोहल्ला खूबपुर का भी वो विकास करेंगी और इसका मोहल्ले का भी विकास करके वो इस मोहल्ले वालों को भी विकास के तहत जोड़ेंगी। धन्यवाद। अमरीश कुमार दीक्षित, मोहल्ला खूबपुर। हाँ, हम लोग चेयरमैन जी से मिलने आए थे। हम लोग रहते हैं खूबपुर मोहल्ला में, जो एसके फ्लोर मिल के सामने से गई, मेन रास्ता खूबपुर की यही है। और इस रास्ते पर आज हम लोग बरसों से कीचड़ से निकलते हैं। हमेशा ये रोड जो है पानी से भरी रहती है, बरसात में तो घुटनों तक पानी से हम लोग निकल कर आते हैं। तो चेयरमैन जी मिल नहीं पाए। पिछली बार हम लोग आए थे, उन्होंने वादा किया था कि इस रोड को बनवाएंगे, तो 2-2.5 महीने बाद हम लोग दोबारा आए थे तो बबलू भैया मिले थे, उन्होंने वादा किया है कि इस रोड को हम बनवाएंगे। हमारी प्रथम वरीयता पर है, पूरा आश्वासन मिला है कि इस रोड को हम बनवा करके आपको देंगे। बोला कि हमने नपाई करा ली है, एस्टीमेट बनवाने के लिए बोला। हाँ, बताया उन्होंने, बबलू भैया ने बताया है कि हमने एस्टीमेट जो है इसका बनवा लिया, नपाई भी करवा ली है और शासन से बजट आते ही प्रथम वरीयता पर हम इसको बनवाएंगे। बबलू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर द्विवेदी, हम लोग खूबपुर मोहल्ला के निवासी हैं। जी शुक्ला है, मैं खूबपुर का निवासी हूँ। यहाँ 2500 साल से ये रोड खराब पड़ी हुई है। काफ़ी लोग हुए इससे इनसे पहले, लेकिन किसी ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। बट इनसे हमारा बहुत उम्मीदें हैं, इन लोगों इनसे, जैसा कि बात भी हुई बबलू भैया से, उन्होंने आश्वासन दिया इसको जल्द से जल्द पहले प्रायिकता में ये काम करवाएंगे। रामजी शुक्ला, खूब। मेरा नाम आलोक सिंह है, मैं मोहल्ला खूबपुर का निवासी हूँ। लगभग 25 सालों से हम लोग खूबपुर में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक ना रोड बनी हुई है और ना ही जल निकास के लिए कोई नाली की व्यवस्था है। तो बारिश में हम लोग के यहाँ जल भर जाता है
और हमारी जो सड़क है वो उबड़ खाबड़ है। अभी तक उसमें कोई निर्माण कार्य किसी नेता लोगों की तरफ से नहीं हुआ है। हम लोग शासन प्रशासन को बार बार इस बारे में आकर जानकारी देते रहे। कितनी बार वहाँ की सड़क की मांग बनाने की मांग किया? कम से कम नहीं तो हम लोग 10-12 बार जा चुके हैं। जो पहले की सरकारें थी, सपा सरकार में भी हम लोग गए और बीजेपी में हम लोग राधे श्याम जी के पास कई बार जा चुके हैं और नगर पालिका में हम कई बार जा चुके हैं कि नगर पालिका जी के जो भी हैं अधिकारी उनसे हम मिल चुके हैं, अधिकारी बाकायदा आ भी चुके हैं, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी कार्य वहाँ पर नहीं किया गया। तो इस बार हम लोग जो है बीजेपी की सरकार में श्रीमती नेहा अवस्थी जी से कई बार जो है दो बार आके कह चुके हैं इस काम के लिए, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो हम लोग 1.5 महीने बाद फिर से एक बार उनको जो है फिर से देने आए हैं और फिर से हमें आश्वासन मिला है कि इस बार रोड का जो है बन जाएगा आपका रोड का और नाली का। तो हम लोग यही अपील करना चाहेंगे चेयरमैन साहिबा से कि इस ओर ध्यान दें। हम खूबपुर के निवासी हैं और 25 सालों से इस सब अव्यवस्थाओं से पीड़ित हैं, कृपया इस पर ध्यान दें। छोटे छोटे बच्चे वहाँ से निकलते हैं और बुजुर्ग लोग भी कभी कभी जो है वहाँ पर गिर पड़ते हैं, हाँ चोट खा जाते हैं। तो हमारी यही जो है निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस रोड को भी बनवाने की कृपा करें और नाला निर्माण की भी कृपा करें। आलोक कुमार सिंह, खूबपुर का निवासी हूँ मैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।